जनपद संभल के चंदोसी में जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रशासन की गलत रिपोर्ट पर जिला न्यायालय को बैरिकेड्स करने पहुंचे प्रशासन का विरोध किया। प्रशासन द्वारा कोरोना मरीज की गलत रिपोर्ट पर जिला न्यायालय को बैरिकेड्स करने पहुंचे नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को अधिवक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी के शक्ति नगर में स्थित जिला न्यायालय का है, जिसके बाद जिला जज ने सीओ एसडीएम और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को जिला न्यायालय में बुलाया और 2 घंटे में रिपोर्ट देकर कोरोना संक्रमित मरीज की सही जानकारी देने को कहा कि जिला न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आ रहा है या नहीं। इस विषय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष टेक चंद यादव ने कहा कि प्रशासन ने कोरोना मरीज की गलत सूचना दी, जबकि संक्रमित व्यक्ति यहां रहता ही नहीं है, जिस पर अधिवक्ताओं ने बैरिकेड्स करने पहुंचे नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का विरोध किया। टेक चंद यादव एडवोकेट, मैं चंदोसी बार एसोसिएशन चंदोसी के अध्यक्ष हूँ। क्या कारण था सर जो ये इतना बड़ा सीधा सीधा कहें तो हंगामा सा रहा? आप हंगामा कह सकते हैं, ये हंगामा नहीं था, ये हमारे आम अधिवक्ता की पीड़ा थी जी। जो इस समय कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसके ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है जो उसके प्रभाव में ना आया हो। अधिवक्ता वर्ग की स्थिति बहुत ही चिंताजनक, ऐसी स्थिति में बार बार हमारी जो न्याय जनपद न्यायालय है इसको कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाता है। कंटेनमेंट जोन में घोषित होने के बाद जो गाइडलाइन शासन की है उनके अनुसार वहाँ की सारी प्रक्रियाएं बंद कर दी जाती है, कोई आवागमन नहीं होता है। लेकिन हमारी कचहरी तीसरी बार कंटेनमेंट जोन में आई है, जबकि उसमें जिस आधार पर आनी चाहिए वो ना तो व्यक्ति यहाँ पर जो पॉजिटिव पाया गया है वो यहाँ रहता है, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सही तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, और कहाँ पर है, होम आइसोलेट है, किसी क्वारंटाइन सेंटर में है, ये जानकारी भी जो है प्रशासन सही नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे जनपद की जनपद न्यायालय को बंद कर कंटेनमेंट जोन के कारण, तो ये बातकारियों के साथ, न्यायपालिका के साथ और विशेषकर अधिवक्ताओं के साथ अन्याय, इसी का विरोध किया गया, जिसका माननीय जनपद न्यायाधीश के चैम्बर में प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय एसडीएम सीओ तहसीलदार और ईओ को बुला करके उनसे इस बारे में वार्ता की गई और उनसे कहा गया कि इसको स्पष्ट करें कि ये कहां पर है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 2 घंटे के अंदर हम लिखित में जो है ये सही रिपोर्ट आपको अवगत कराएंगे, और कंटेनमेंट जोन में अगर नहीं है तो अग्रिम जो नॉन कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, ये कचहरी अब कब से कब तक बंद रहेगी और कब खुलेगी? कचहरी आज तो जो है वो किसी हंगामे के कारण न्यायिक कार्य स्थगित है, कल और परसों यानी शनिवार और इतवार को साप्ताहिक लॉकडाउन है, साप्ताहिक बंदी रहती है, तो आज अगर आके आ जाती है तो संभवतः सोमवार से जो हमारे न्यायिक कार्य शुरू होगा। धन्यवाद। क्या कारण रहा जो ये इतना बड़ा विषय बना? विषय बना प्रशासन चंदोसी ने गलत रिपोर्ट आवा दे दी, जो हमारी रिपोर्ट है वो 100 मीटर दायरे में नहीं आती है, जिसके लिए आज हमारी माननीय जिला जी महोदय ने एसडीएम सर से रिपोर्ट मांगी, आप 2 घंटे रिपोर्ट देकर 100 मीटर अंदर दायरे में आती है नहीं। अब क्या उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है कि आगे कब कोर्ट खुलेगा? ये डिसीजन ये लिया है कि 100 मीटर अंदर दायरे में नहीं आती है, सोमवार से कोर्ट खुलेगा, सोमवार से कोर्ट खुलने के आदेश आए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत नाजायज बनाया है, वो व्यक्ति यहाँ रहते ही नहीं है जिसके नाम से इन्होंने इसको जगह को कराया, वो व्यक्ति बरेली में रहता है। अभी अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच वार्तालाप हुआ है जी, उसमें हमने कहा कि तुम ना तो सैनिटाइज कराते हो कचहरी को, ये गंदगी के ढेर है कितने, ना तुम साफ कराते हो, तो जज साहब ने भी डांटा उसे ईओ को कि रोज होनी चाहिए ये सफाई यहाँ पे, डेली शाम को 5 बजे के बाद आपका साफ कराइए, फिर भी ना जाओ, तुम भी थे अंदर, एडिटो करो बात को। और जो है ये जो कचहरी है, कचहरी आज बंद नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कौन दोषी है, इसकी गलत रिपोर्टिंग से ये कचहरी बंद हुई है। गुन्नौर, संभल, मुरादाबाद आदि आदि स्थानों से दूर दूर से वकील आए हुए थे और इन्होंने कचहरी अचानक बंद करा दी अपनी गलत रिपोर्टिंग से, इसके लिए कौन पनिश होगा, ये बिंदु तय करा जाए कि जब वो व्यक्ति जिसका नाम लेकर ये कचहरी सैनिटाइज की गई वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, कितनी मजे की बात है।
वो व्यक्ति बरेली रहता है और उसका वहां यहाँ रहना दिखा के और सारी सील कर दी। जो आपके वार्तालाप हुए अधिकारियों के साथ बैठ के, उसमें क्या आश्वासन मिला है कि कचहरी कब तक खोल देंगे? सोमवार को खोल देंगे, आज भी खोलेंगे, आज भी बेलें सुनी जाएंगी, अर्जेंट वर्क होंगे। आज अगर कोई वकील चला गया है हड़ताल सुनकर, तो कोई भी एडवांस ऑर्डर नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। जो वकील सुनवाना चाहेंगे उनका केस सुन लिया जाएगा आज, और सोमवार से रेगुलर यथावत कचहरी। धन्यवाद।